जुलू इलेक्शन के जरिए मैंडेट पर डाका डाला गया। सोलामा जिदोजहद करके मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया। दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। इनके दौर में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का आवामी इज्तिमा से खिताब। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग की पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर मुशावरा जारी। कौमी असम्बली के हल्के 134 की यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों और सांगड़ में कारकुनों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सब सस्ता मिलता था। मईशत तबाह करने वाले चले गए, मईशत को तरक्की देने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 49,493 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। डॉलर मजीद 1.08 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 277.50 रुपए पर पहुंच गया। अस्करी क्यादत और हुकूमत की अंतक कोशिशों और मेहनत के समरात पाकिस्तान मौशी बहाली के सफर पर गामजन। आइंदा माली साल के लिए शरह नमो 3.5% तक बेहतर हो गई। बिजली की पैदावार, डीजल और पेट्रोल, सीमेंट, यूरिया और ऑटो सेल्स में नुमाया इजाफा। सितंबर में बरामदात 2 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। डॉलर की कदर में भी कमी रिकॉर्ड। गैर कानूनी रिहाइश पसीर अफगान खानदानों का इनखला जारी। 17 ट्रकों में अफगान खानदान तुरखम सरहद पहुंचे, जहां से कानूनी कार्रवाई के बाद वतन रवाना कर दिया गया। हर ट्रक में 2 से 3 खानदान मौजूद थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की 18 दिन की मोहलत बाकी। 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पूरी ताकत के साथ रियासत की रिट बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर इत्तला'आत बलूचिस्तान कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। और मुल्क में मानसून का सीजन खत्म। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। कल से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों तक हवाएं फैलने से दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। हफ्ते और इतवार को मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मैदानी इलाकों में सैलाब, बालाई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है।